11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 5 पार्शियल फ्रैक्शन 5.3 का अपलोड इन प्रोसेस है। एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 का अपलोड पहले ही हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 का अपलोड इंशाल्लाह इस वीडियो में करेंगे। रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में 3 टर्म्स हैं, एक क्वाड्रेटिक है और 2 लीनियर हैं। सबसे पहले इसको आप कन्वर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक के लिए ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 होगा और लीनियर के लिए बी अपॉन एक्स प्लस 1 और थर्ड लीनियर के लिए सी अपॉन एक्स माइनस 1। अब आपने एलसीएम लेना है और एलसीएम को ईच एंड एवरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 बल्कि प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 इन टू एक्स माइनस 1 रहेगा और बी के साथ एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होगा और प्लस सी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 होगा, एक्स माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। और भी आप एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 एक दफ़ा ये वैल्यू लेंगे और एक दफ़ा आप x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 लेंगे। जब x इज इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा c का और जब x प्लस 1 अब लेंगे तो आपको b का वैल्यू मिल जाएगा। सॉरी सी इसमें मिस्टेक हो गई, ये मैंने करना था, इसको b ऑलरेडी यूज हो चुका है, ये c होगा और ये d होगा क्योंकि पहली टर्म जो हमारे पास ax प्लस b था अब अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे इसको, ये सी आ जाएगा और ये
डी हो जाएगा। अभी आपको मैं वैल्यूज प्रकार प्रूव करता हूँ। एक्स इज इक्वल टू जब वन प्लस करेंगे तो वन का स्क्वायर वन प्लस टू इन टू इंटू वन टू प्लस टू टू प्लस टू फोर और वन फाइव, इसका आंसर आ जाएगा फाइव इज इक्वल टू। अब देखें एक्स वन यहाँ मौजूद है, एक्स माइनस वन का पूरी का पर ये आंसर ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपके पास एक्स एक्स माइनस वन मौजूद है, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। प्लस ये जो वैल्यू है डी का वैल्यू यहाँ हमें मिलेगा, वन का स्क्वायर वन प्लस थ्री फोर और वन प्लस वन टू फोर टू द एट। डी का आंसर आपके पास आ जाएगा फाइव अपॉन एट। इसके बाद आपने x माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लग करना है, ये माइनस वन तो हो जाएगा पॉजिटिव वन और ये माइनस टू होंगे प्लस टू होंगे कैंसिल होंगे, यहाँ आपके सिर्फ आंसर आएगा वन। अभी x प्लस वन यहाँ मौजूद है, ये ज़ीरो हो जाएगा। प्लस बी सी में माइनस वन का स्क्वायर पॉजिटिव वन पॉजिटिव वन वन प्लस थ्री फोर हो जाएंगे और माइनस वन और माइनस वन माइनस टू हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास सी का वैल्यू माइनस वन अपॉन एट मिल जाएगा। अभी आपने कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट मेथड यूज करना है, ये आपके पास होंगे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, ये इसमें चूंकि मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के बाद जो है जब आप कॉमन फोन लेंगे वो मैं स्टेप शो कर रहा हूँ, ए प्लस सी प्लस डी इंटू एक्स क्यूब प्लस डी माइनस सी प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस थ्री सी प्लस थ्री डी इंटू एक्स माइनस बी माइनस थ्री सी प्लस थ्री डी। अब ए प्लस सी प्लस डी जब आप लेंगे इसमें एक अब वैल्यू मिल जाएगा आपको, सी और डी आपके पास गिवन है, एक्स क्यूब यहाँ पे टर्म मिस है तो इनका आंसर ज़ीरो हो जाएगा। ए प्लस सी प्लस डी इज टू ज़ीरो। अब ए का वैल्यू प्लग करेंगे जो कि फाइव नहीं है आपके पास, फाइंड करना है सी फाइव पॉइंट एट है और डी माइनस वन पॉइंट एट है, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसका फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस वन पॉइंट टू। अभी आपको बी चाहिए, बी के लिए आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म लेंगे, बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट वन है यहाँ पे इज इक्वल टू वन हो जाएगा। बी का वैल्यू आपने फाइंड करना है, सी माइनस वन अपॉन एट है और
डी 5.8 है, दोनों वैल्यूज को अब प्लग करेंगे, प्लग करने के बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद फाइनल आंसर इसका बी का आपके पास आ जाएगा 1/4। अभी आपको ए एक्स प्लस बी चाहिए, ये माइनस 1/2x है और ये प्लस 1/4 है, इसका एलसीएम आएगा 4, ये हो जाएंगे माइनस 2x प्लस 1, ये भी आपको विजिबल होगा, माइनस का साइन अपने कॉमन लेना है, 2x माइनस 1/4। इसको आंसर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2/ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ये आपके पास हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी का आंसर हम निकाल चुके हैं, 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इसके बाद सी माइनस 1/8 है, 1/8 इंटू एक्स प्लस 1, और डी हमारे पास 5.8 है प्लस 5/8 इंटू एक्स माइनस 1, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन आपने एक काम करना है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव टर्म से हमने नेगेटिव साइन से हमने आंसर को स्टार्ट नहीं करना होता, आप इस टर्म को जो कि लास्ट टर्म है, फाइव लास्ट फ्रैक्शन है, उसको पहले लिख लें, बाकी काम उसी तरह होगा। अब देखें, आपकी फर्स्ट टर्म जो है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टर्म जो है पहले होनी चाहिए, नेगेटिव टर्म से कोशिश करेंगे आंसर आपका ना हो। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो पे शेयरिंग करनी है, वीडियो को इस पर आपने कमेंट करना है, चैनल पे भी कमेंट करें, वीडियो पे भी कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।